अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेकंड ईयर इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो सेकंड ईयर की ऑब्जेक्टिव है वो 20 मार्क्स की होती है, जिसमें करेक्शंस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, प्रपोजिशन होती है कि ये हमने कहाँ से प्रिपेयर करनी है। अच्छा, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोगों ने कहाँ से प्रिपेयर करनी है, और ये जो तमाम PDFs हैं ये आप लोगों को किधर से मिलेंगी। तो अभी हम बात करते हैं इंग्लिश के। मैं पहले भी एक सेकंड ईयर इंग्लिश की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसके दो पार्ट, बल्कि तीन पार्ट होते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आता है, बुक टू में से, मॉडर्न प्रोज में से आते हैं, और हीरोज में से आते हैं। अच्छा, अब जो हम एनालिसिस करते हैं जो पंजाब बोर्ड्स का या मुख्य बोर्ड्स के एग्जाम्स का, जो पिछले 15 सालों में जो पेपर आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आप लेसन कह लें, वो एंड ऑफ टर्म के हैं। अब इसके आगे ये जिसकी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए स्टार्स ज़्यादा दिए गए हैं, यानी एंड ऑफ टर्म के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने लाजमी लाजमी करने हैं, ठीक है। अब वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है, लेकिन एंड ऑफ टर्म से कम है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लेसन है इंग्लिश का, लेकिन ये वाला जो लेसन है एंड ऑफ टर्म वाई बॉयज इन फेल इन कॉलेज से कम है। और जो लेस इम्पोर्टेंट है वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक और चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। यानी अगर आपके पास ये जो टोटल है, ये 5 आपके पास मॉडर्न प्रोज बनते हैं, अगर आप इनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो आपका जो बुक टू के मॉडर्न प्रोज के क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो स्टार्स के साथ मेंशन किए गए हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है मॉडर्न हीरोज। अच्छा, अब हीरोज में भी हमारे पास टोटल 5 हीरोज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो हमेशा पेपर में आता है, इसके इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल है, उसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, और उसके साथ जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है वो लुई पास्चर है। अगर आप इन तीन हीरोज को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आप लोगों का जो हीरोज के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये जो मैंने आपको एंड ऑफ टर्म वाई बॉयज फेल इन कॉलेज ये जो लेसन बताए, इनके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट अलकलम कोचिंग सेंटर्स पे जाकर वहाँ पे इंग्लिश नोट फॉर क्लास 12 लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, मतलब ये PDF पे मिल जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ इन्हीं जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं इन्हीं पर मुश्तमिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास है जी गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब गुड बाय मिस्टर चिप्स में हमारे पास जो लेसन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 11, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 16 और 17 ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी अगर आप पहले जो है 4 चैप्टर कर लें, देखिए वो गुड बाय मिस्टर चिप्स के 1, 2, 3, 4 एंड 6, 5 नहीं करना, ये आपने पहले 5 नहीं करना, 1 से लेकर 6 तक, यानी ये 5 चैप्टर बन जाएंगे, और उसके बाद 11, 12 और 16, 17, 11, 12 और 16, 17, 4 ये बन गए, टोटल आपने 9 चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपका जो है पूरा
पूरा गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है उसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये लॉन्ग के हवाले से मैं डिटेल वीडियो इन क्वेश्चन आंसर के हवाले से एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। यहाँ पर आई बटन में जाकर मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, या इस वीडियो से प्रीवियस जो वीडियो है मेरी आप वो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसकी इन नोट चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स की भी आपको पीडीएफ चाहिए होगी इन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर मुश्तमिल क्वेश्चन आंसर की, तो आप लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अच्छा, जो उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ ईडीएम्स हैं, यानी ये ऐसे ईडीएम्स हैं जिनको हम, ये 15 EDMs है हमारे पास यहाँ पर, सिर्फ 15 EDMs है। और अगर आप इन ईडीएम्स को प्रिपेयर कर लें तो हमारे कमोबेश जो ईडीएम्स तैयार हो जाएंगे वो तकरीबन उनकी तादाद है 50 से 70 EDMs सिर्फ ये 15 सेंटेंसेस प्रिपेयर करने से हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अ ब्लैक शीप ऑलवेज ग्राइंड हिज ओन एग्स, यानी अब ये वाला जो सेंटेंस है ये आप यूज कर सकते हैं। अगर ब्लैक शीप ईडीएम आता है उसका सेंटेंस बनाना है, या ग्राइंड हिज ओन एग्स पे ये वाला सेंटेंस बनाना है, तो अब इन दोनों के लिए एक फिकरा याद किया होगा तो हम इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है जी, बाय एंड लार्ज मैन इन द स्ट्रीट इज वरीड अबाउट ब्रेड एंड बटर दीज डेज। अब इसमें जो हमारे पास ईडीएम यूज हुआ है, बाय एंड लार्ज हुआ है, ब्रेड एंड बटर हुआ है। अब उसके बाद आगे आ जाए जी, ये यहाँ पे कटिंग में हो गए थोड़े से, लेकिन मैं आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें ये मुकम्मल होंगे, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी। यू शुड कीप अ डार्क हॉर्स ब्रोकन रीड ब्लैक शीप एट आर्म्स लेंथ, यानी अब आपने बच्चे बाजू का रट्टा लगाते हैं, कुछ शहजादे होते हैं वो सारे ही फिक्रे यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे ही लिख देते हैं। हालांकि आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिर्फ इसमें से एक ही यूज करना, यू शुड कीप, अगर डार्क हॉर्स आ जाता है तो डार्क हॉर्स लिखे, यू शुड कीप अ डार्क हॉर्स एट आर्म्स लेंथ। अगर ब्रोकन रीड आ जाता है देन आपने लिखना यू शुड कीप अ ब्रोकन रीड एट आर्म्स लेंथ। अगर ब्लैक शीप आ जाता है यू शुड कीप अ ब्लैक शीप एट आर्म्स लेंथ। तो ये इतने ज्यादा इडियम्स के लिए एक ही सेंटेंस इनफ है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ वेट ब्लैंकेट ब्रोकन रीड वंस अगेन अ बैड एग इज नेवर रिस्पेक्टेड। अब देखिए बड़ा आसान सा सेंटेंस है, आपने बस इसका देखना है, बाय एंड बाय ही केम ऑफ एज, बाय एंड बाय ही केम ऑफ एज। अगर आप ये देखें इसमें सिर्फ ही लगा है, बाय एंड बाय मीडियम है, केम ऑफ एज ही है, बस आपने जरा इन 15 सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर लेना है तो आपके 50 से 70 एडियम्स हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँ कि जो शहजादे हैं वो इनको मस्ट करके आए तो आपके एडियम्स 3-4 एडियम तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एडियम्स के नोट्स भी मेरी वेबसाइट के ऊपर है। ठीक है, दे मेड प्रॉपर्टी अ बोन ऑफ कंटेंशन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड विदाउट राइम विदाउट रीजन। ये देखें ये भी कितने कवर होते हैं, ये वाले एडियम्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो के आखिर में या ड्यूरिंग वीडियो ही बता दूंगा कि ये जो मेरे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है सिनोनिम्स की फॉर्म में, इंफ्लेक्शन की फॉर्म में और प्रपोजिशन की फॉर्म में, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। अच्छा जी, ये हम मेरे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है विद आंसर्स। अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा तो इसके आंसर्स कैसे हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं आगे आने वाले जो मजामीन है उनकी भी वीडियोज बड़ी जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। जी, ये हमारे पास एडीएम सिनोनिम्स हैं इंग्लिश के, इसमें हीरोज भी हैं, इसमें मॉडर्न प्रोज भी है और गुड बाय मिस्टर चिप्स भी है। टोटल
जो मेरे पास है ये MCQs है सिनोनिम्स के, वो टोटल है, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे जो टोटल है, अबर 108, कुछ स्टडी टिप्स भी बीच में इंक्लूड की हुई हैं एग्जाम्स के हवाले से। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उन पर अमल भी कीजिएगा, और वैसे करनी भी चाहिए। इंग्लिश को लर्न करने के हवाले से भी कुछ स्टडी टिप्स इंक्लूड की हैं, ठीक है। अब ये जो टोटल MCQs हैं, ये देखें यहाँ पर जो टोटल MCQs है 250 के राउंड अबाउट होंगे जी, 250 MCQs है। अच्छा ये जो 250 MCQs है इसके अंदर ये देखें यहाँ पर जो ये मिस्टर चिप्स वाज है, मैरी वाज स्टूपिंग ओवर हिम है, ये चक्कल है, चिप्स बिगेन द फैंट एंड, ये देखें ना, अब ये सारे चिप्स के भी हैं, मॉडर्न प्रोज के भी हैं, हीरोज के भी हैं, सारे MCQs हैं, और विद यहाँ आंसर की है, ये जो 250 MCQs है उनकी आंसर की भी यहाँ पर दी गई है। ये पूरी आंसर की और ये सिनोनिम्स की PDF फाइल, अगर आप सिर्फ यही प्रिपेयर कर लेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं पिछले सालों में से इसी में से ही आ रहे हैं सिनोनिम्स, आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके जो इंग्लिश का पेपर है वो तो बहुत होना वाला है जी। अच्छा उसके बाद जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है इंग्लिश के स्टूडेंट्स का, वो करेक्शन और प्रेपोजिशन है। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं, ये चैलेंज है जी, आप लोग इन प्रेपोजिशंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो 5/5 यानी आप पूरे प्रेपोजिशन के जो 5 मार्क्स हैं वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है जी। टोटल MCQs इसमें हैं 143 MCQs हैं, और सारे विद आंसर्स के साथ हैं, ये हाईलाइट हुआ हुआ है जी, ये आंसर्स हैं, आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे आप लोगों ने पेपर में प्रेपोजिशन को अटेम्प्ट करते हैं, और ज़्यादा चांसेस यही है, मैक्सिमम ऐसे ही होता आ रहा है कि जो हमारे पास है प्रेपोजिशन आती है MCQ, वही नहीं 143 में से घूम फिर के आती है, आप लोग देख भी लें। और उसके बाद ये है जी हमारे पास करेक्शन के MCQs, और ये करेक्शन के MCQs की जो टोटल तादाद है वो 146 है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये इसके करेक्ट ऑप्शन के साथ है। अगर आप यही 146 MCQs, 140 आप जब फ्री हो, आप बाकी आप लोगों ने प्रेपरेशन कर ली होगी, जब आप लोग फ्री हो आप इनको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चले जाएंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम्स जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इंग्लिश का 2022 में है या 2022 के बाद भी आप लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आप आते हैं जी आप टॉपिक की तरफ, वो टॉपिक क्या है, ये जो MCQs की ये वाली PDF है ये आपको कहाँ से मिलेगी और ये PDF कहाँ से मिलेगी। ये PDF मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा, लेकिन मैं अपने ग्रुप के अंदर रात 10 बजे के करीब मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं YouTube के ऊपर, आप लोग यहाँ पे मेरा WhatsApp नंबर भी है, ये मेरा WhatsApp नंबर है, ये आप इसके ऊपर WhatsApp करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो सबसे वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, मैं वापस आपको सेंड कर दूंगा ये PDF MCQs की भी और ये सारे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फिर सब्सक्राइब वाला स्क्रीनशॉट भेजें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको फौरन ये दोनों PDF जो है वो सेंड कर दूंगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।